से हमारे ग्रह पर इंसानों का जन्म हुआ, किस तरह से हम स्टोन एज से स्टीम इंजन तक पहुंचे, किस तरह से शहरों और सभ्यताओं के पहले बीज पड़े, हर चीज जुड़ी हुई है और वो रास्ता आप तक जाता है। इतिहास को इतना सब कुछ करने में 1370 करोड़ साल लगे, लेकिन हम आपको हर जरूरी जानकारी देंगे सिर्फ 2 घंटे में। ये है हमारा नवजात ब्रह्मांड। आने वाले दिनों में जो भी होगा, जिस भी चीज का वजूद होगा, उसकी शुरुआत यहाँ से हुई, ऊर्जा के इस छोटे से स्रोत से, वो स्रोत जो एक परमाणु से भी छोटा है। हम आज जिस इतिहास को जानते हैं, उसकी शुरुआत बड़े ही रहस्यमय ढंग से हुई थी। हम वजह तो शायद न जान पाए, लेकिन हमारे ब्रह्मांड में अचानक विस्फोट हो गया। सेकंड के करोड़वे हिस्से में जो चीज परमाणु से भी छोटी थी, वो अचानक एक तारा मंडल से भी बड़ी हो गई। पुश। आप जिसे देख रहे हैं वो ऊर्जा है, और अगले 2 घंटे में हम जो दिखाने जा रहे हैं उसे समझने के लिए ये बेहद अहम है। सेकेंड के एक मामूली से हिस्से में बिग बैंग ने इतनी ऊर्जा पैदा कर दी जो आज तक मौजूद है। इतनी ऊर्जा जिससे हर तारा रोशन है, हर जीव को जिससे ताकत मिलती है। हम जितनी भी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, वो उस वक्त की है जब कायनात बनी थी। जब हम कार में पेट्रोल डालते हैं, तब हम उस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं जो बिग बैंग के वक्त बनी थी। हम ब्रह्मांड की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। हमारी इस 2 घंटे की कहानी में अभी कुछ ही मिनट बीते हैं, पर इतने में ही 380,000 साल बीत गए। अब आप देखने वाले हैं हमारे असली पूर्वजों के जन्म को, पहले परमाणुओं को। ये है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड इसकी मदद से ही हमारे आसपास की हर चीज बनाने वाला है। हाइड्रोजन एक बेसबॉल टीम की तरह होती है। हम सोचते हैं कि किस खिलाड़ी को हम टीम में रखें। मुझे एक ब्रह्मांड बनाना है, उसकी शुरुआत हाइड्रोजन से करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव होता है और उससे कई किस्म के परमाणु बनाए जा सकते हैं। पहले परमाणु ब्रह्मांड में उड़ने लगे, लेकिन अच्छी बात यह हुई कि वो बराबरी से नहीं फैले थे, क्योंकि ज्यादा परमाणुओं वाले छोटे पॉकेट्स में शुरुआती ब्रह्मांड को गढ़ने वाले ग्रेविटी ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। पहले तारामंडल बनने लगे और ब्रह्मांड के अंतहीन राज सामने आने लगे। पूरे इतिहास में जब भी किसी एक जगह पर ज्यादा ऊर्जा और तत्व जमा हुए, वहां जटिल चीजें होने लगी। पूरे ब्रह्मांड में कई ऐसे इलाके थे जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर क्रिएटिविटी, साइंस और आर्ट नजर आ रहा था, और कई नई संस्कृतियां भी बनी, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक दूसरे से इंटरैक्ट करने लगी थी। जाहिर सी बात है, जहाँ भी कुछ होगा वहाँ नई चीजें विकसित होंगी ही, और जहाँ कुछ है ही नहीं वहाँ पर क्या विकास हो सकता है। बिग बैंग के 30 करोड़ साल बाद भी नए बन रहे तारा मंडलों के अंदर ग्रेविटी लगातार गैस और धूल के बादलों को दबा रही थी, जिससे दबाव और गर्मी बहुत तेजी से बढ़ने लगी।
जब तापमान करीब 17.5 लाख सेल्सियस के आसपास पहुंच गया तब हाइड्रोजन के अणु आपस में टकराने लगे जिससे एक नया तत्व बना हीलियम और उससे निकलने लगे ऊर्जा के तेज गुबार। पहले तारे का जन्म हुआ। अचानक ही वहां पर रोशनी की तेज चमक नजर आने लगी जिससे निकली ऊर्जा ब्रह्मांड में मिलने लगी। पूरा ब्रह्मांड रोशन हो गया। लेकिन इस शुरुआती ब्रह्मांड में किसी चीज की कमी थी। तारे तो करोड़ों थे पर ग्रह एक भी नहीं था। ग्रह बनाने और फिर इंसान की रचना करने के लिए अगला कदम उठाना था जिसकी वजह से आज तक का इतिहास बना। उसके लिए ब्रह्मांड के पास सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ही थीं। अपने सूरज जैसे तारे को प्रकाश का स्रोत माने पर उसके अंदर एक और बहुत बड़ी घटना हो रही थी। तारे तत्व बनाने की फैक्ट्री हैं। वो हाइड्रोजन को हीलियम से, हीलियम को लिथियम से मिलाकर 25 ऐसे आम तत्व बना रहे थे जो जीने के लिए जरूरी थे, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयन भी शामिल थे। मतलब 1200 करोड़ साल पहले ही तारे वो तत्व बनाने लगे थे जिनसे आयन एज शुरू हो सकता था, जिनसे शहरों के लिए इमारतें और इंसान के बनाए कुछ बेहतरीन स्मारक बन सकते थे। लेकिन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने से पता लगता है कि शुरुआती ब्रह्मांड के सामने अगली चुनौती क्या थी। इस मूर्ति का फ्रेम तो लोहे से बना है लेकिन इसकी खाल जिस चीज से बनी है वो इतनी भारी थी कि तारों में नहीं बन सकती थी। बात चाहे लेडी लिबर्टी की त्वचा बनाने की हो या शादी की अंगूठी के लिए सोने की या न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए यूरेनियम की, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल अलग तरीके से बनाना पड़ता है। तारों के पास इस काम को अंजाम देने लायक ऊर्जा नहीं थी लेकिन जब तत्व बनाने वाली फैक्ट्री में इतना दम ही ना हो तो उसे उड़ा देने में क्या बुराई है। पहले तारे बनने के कुछ लाख साल बाद ही उनमें से कुछ में अचानक विस्फोट हो गया। बैम! इन विस्फोटों को सुपरनोवा कहते हैं और ये ब्रह्मांड में बिग बैंग के बाद सबसे बड़े विस्फोट थे। उससे जो ऊर्जा निकली उसने ज्यादा भारी तत्वों को एक दूसरे में मिलाना शुरू किया। विस्फोट के साथ वो तारे तो खत्म हो गए लेकिन उनसे बना यूरेनियम, सोना और हमारी दुनिया में मौजूद दूसरे तत्व जिनमें से एक तांबा भी था। पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स असल में ब्रह्मांड में मौजूद पिंडों की एक लाइब्रेरी है। जिनसे हमारी दुनिया बनी उनमें से ज्यादातर चीजें तो उस खास केमिस्ट्री सेट से ही निकली थीं। सुपरनोवा की वजह से ही आज हम हैं। हमारे खून में आयन है, उस लिहाज से हमारे शरीर के अंदर आज भी सुपरनोवा के कुछ अवशेष मौजूद हैं। वो हमारे शरीर में घूम रहे हैं। हम सभी स्टारडस्ट हैं। तांबा और टिन, ब्रॉन्ज एज। सुपरनोवा के बिना ब्रॉन्ज एज भी नहीं होता। आप दवा की किसी भी दुकान से मल्टीविटामिन की शीशी खरीदिए और उसमें मौजूद तत्वों को पढ़िए। आपको उसमें तांबा मिलेगा, जिंक मिलेगा, सिलेनियम मिलेगा। उसमें हर वो तत्व मिलेंगे जो सिर्फ बन सकते थे अगर सुपरनोवा हो। तारों से बने वही तत्व पृथ्वी पर जीवन के बीज बने और उनसे ही मानव इतिहास की रचना शुरू हुई। लेकिन सफर तो अभी शुरू हुआ था। इससे पहले कि जीव बनते, ब्रह्मांड को हमारे लिए एक घर भी तो बनाना था। सही घर बनाने के लिए हमें हर जरूरी चीज एक जगह पर जमा करनी पड़ती है। ग्रहों के बनने पर भी यही हुआ था। हमारे पास जो चीजें होती हैं, उनसे ही ये तय होता है कि वो ग्रह हमारे लिए किस तरह का घर साबित होगा। हर सही चीज को बिल्कुल सही जगह पर लगाने में बहुत सारा वक्त लगता है। अगले 800 करोड़ साल में इतिहास के करीब आधे हिस्से में तत्व बनाने वाली फैक्ट्रीज लगातार अपना काम किए जा रही थीं। तारों में विस्फोट हुआ और उन्होंने दोबारा जन्म लिया।
और हर नई पीढ़ी के पास पिछली पीढ़ी के मुकाबले ज्यादा भारी तत्व थे। फिर 460 करोड़ साल पहले इतनी सारी चीजें जमा हो गई थीं कि आगे का काम शुरू किया जा सके। एक नए तारे का जन्म हुआ, ये था हमारा सूरज। ये इतना बड़ा था कि इसने पूरे सौर मंडल की करीब 99.9% गैस और धूल समेट ली। इसके बावजूद ग्रेविटी के लिए इतना सामान बचा था कि वो दूसरी चीजें बना सके, जैसे कि ग्रह। इस तारे से बना तीसरा ग्रह बनने वाला था हमारा घर। जब करीब 450 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ, तब तक तो तकरीबन दो तिहाई इतिहास खत्म हो चुका था। सूरज की पहली किरणें उस अजब अनोखे ग्रह पर पड़ी जो बहुत तेजी से घूम रहा था और जहां 6 घंटे में ही दिन खत्म हो जाता था। जब हम पृथ्वी के शुरुआती दिनों की बात करते हैं, उस वक्त की जब ये बनी थी, तब हमें पृथ्वी को एक दूसरा ग्रह मानना पड़ता है। सूरज की किरणें यहाँ पिघले लावा पर पड़ती थीं, हर जगह लावा ही लावा था। कुछ जगहों पर ज्वालामुखी की काली चट्टानें भी थीं। पिघली चट्टान में मौजूद तत्व इधर उधर बिखरे हुए थे, किसी को उन्हें सही क्रम में लगाना था। एक बार फिर से ये काम किया ग्रेविटी ने। हल्की चीजें सतह की ओर बढ़ी और उन्होंने एक सख्त पपड़ी बना दी। भारी चीजें केंद्र की ओर गईं और उन्होंने पिघले हुए लोहे और निकल का एक कोर बना दिया। उस पिघले हुए धातु का घूमता केंद्र एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था जो अंतरिक्ष तक गया एक फोर्स फील्ड के तौर पर। यही हमारे होने वाले घर को सूरज के खतरनाक तत्वों से बचाने वाला था। जल्द ही इस मैग्नेटिक फील्ड ने जीवन को बढ़ने का मौका दिया, बाद में उन खोज करने वालों के लिए भी मददगार बना जिन्होंने दुनिया के दोनों हिस्सों को जोड़ा। लेकिन इन सब के लिए पृथ्वी को एक अहम साथी की जरूरत थी। साढ़े 400 करोड़ साल पहले मंगल ग्रह के बराबर का एक पिंड करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से टकराया। पृथ्वी ने उसके ज्यादातर हिस्से को तो निगल लिया था, लेकिन पिघले हुए मलबे की एक फुहार अंतरिक्ष तक जा पहुंची। करीब 1 साल के अंदर ही ग्रेविटी ने इस पिघले हुए मलबे को जमा करके एक गोला बना दिया जो पृथ्वी के चक्कर काटने लगा, और वो उस वक्त से आज तक वहीं पर है। चांद का बनना पृथ्वी के इतिहास के लिए बेहद अहम था। सच तो ये है कि करीब 400 करोड़ साल पहले चांद के बनने से ही पृथ्वी के मौसम पर भी असर पड़ा। चांद पृथ्वी को स्थिर रखता है, उसके ग्रेविटी का खिंचाव पृथ्वी को इधर उधर हिचकोले खाने से बचाता है और हमें भी खतरनाक मौसम से सुरक्षित रखता है। जिस टक्कर से चांद बना था उसकी वजह से पृथ्वी एक ओर मुड़ गई और उससे पृथ्वी को जीने के लिए एक अहम चीज मिली, मौसम। पृथ्वी पर जीवन के विकास के लिए मौसम बेहद अहम है, और पृथ्वी का अपनी धुरी पर थोड़ा सा झुका होना भी पृथ्वी पर जीवन को बरकरार रखने के लिए जरूरी है। चांद की ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी की घूमने की रफ्तार भी कम हुई, जिससे हमारे दिन अब 6 घंटे की बजाय 24 घंटे के होने लगे। चार सौ 40 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर इतनी गर्मी थी कि तरल पानी रह ही नहीं सकता था, लेकिन वायुमंडल में पानी की भाप थी। अब सवाल था कि उसे आसमान से नीचे कैसे लाया जाए। जिस किसी दुनिया में जीवन हो वहां पर थोड़ी बरसात भी जरूरी है।
कई लाख साल पहले जब पृथ्वी ठंडी हुई तब बारिश होने लगी, जिससे तालाब बने, झीलें बनी और फिर महासागर बने। 380 करोड़ साल पहले हमारे ग्रह के पास एक चांद था, एक महासागर था, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा कि आज हम देख रहे हैं। इंसान के इतिहास का मंच बनने के लिए पृथ्वी को ऑक्सीजन से भरा वायुमंडल